एक्सप्रेस न्यूज। यूपी के रामपुर में साली से अवैध संबंध के चलते साड़ों की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया गया था। वारदात का खुलासा एसपी रामपुर विपिन ताड़ा ने किया। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से एक फावड़ा, एक गमछा व एक ओमनी वैन बरामद की है। वहीं पुलिस तीसरे आरोपी को भी तलाश कर रही है। वारदात 14 जून 2018 की है। कोतवाली शाहबाद क्षेत्र जगतपुर गांव के खेत में मृतक हरीश चंद का शव गन्ने के खेत में गड़ा हुआ मिला था। इस मामले में कोतवाली शाहबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। पुलिस छानबीन कर मृतक हरीश चंद के आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी साड़ू रामेश्वर और उसके दोस्त सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया के सामने इन्हें पेश किया गया, जबकि एक अभियुक्त मुशर्रफ अभी फरार है। पुलिस की पूछताछ में हत्या आरोपी रामेश्वर और सुनील ने अपना जुर्म कबूला और हत्या आरोपी रामेश्वर ने बताया कि उसकी पत्नी की 12 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उसकी साली का उसके घर आना जाना हो गया था, जिससे हत्या आरोपी रामेश्वर अपनी साली से प्रेम करने लगा। प्रेम इतना परवान चढ़ा कि साली अपने पति को बिना बताए उसके साथ कहीं भी चली जाती थी। इस बात का जब मृतक हरीशन को पता लगा तो उसने उसका विरोध किया और उसके साथ मारपीट भी की। वहीं हत्या आरोपी रामेश्वर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अंगोछे से गला दबाकर मृतक अपने साड़ू हरीशन की हत्या कर अशोक को शाहबाद क्षेत्र के जगतपुर गांव में गन्ने के खेत में दबाकर फरार हो गया। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले में रामपुर एसपी विपिन ताड़ा ने खुलासा करते हुए बताया कि यह हत्या है, आरोपी ने अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते ही की है। वहीं इस मामले में रामपुर एसपी विपिन ताड़ा ने खुलासा करते हुए बताया कि यह हत्या आरोपी ने अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते की है, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपीएस न्यूज के लिए हारून पाशा की रिपोर्ट।